हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं आपका दोस्त मिस्टर जाना स्वागत करता हूँ फिर से एक अनदर ब्लॉग में। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हम खड़े लेकर आए हैं आपको श्री श्याम के द्वार खाटू धाम। तो गाइस, श्री श्याम के द्वार खाटू धाम रिंगिस रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर दूर है खाटू गाँव, जहाँ पर श्री श्याम का धाम है गाइस। तो वहाँ पर आज आपको लेकर आए हैं। बहुत ही श्रद्धापूर्ण मेरा ये ब्लॉग होने वाला है गाइस, क्योंकि मेरी खुद के इसमें भक्ति जुड़ी है गाइस, और काफ़ी लाखों करोड़ों लोगों की भक्ति जुड़ी है श्री श्याम से। और मेरा ये पहला टाइम है, फर्स्ट टाइम है गाइस, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से रील्स और देखता हूँ, तो हमेशा उसमें खाटू श्याम जी के कुछ ना कुछ वीडियोस आते हैं, और मेरे को यहाँ खींचा चलाया गाइस। मैं रात में आ गया था, रात में कुछ दिखाने लायक था नहीं, तो फिर मैंने मॉर्निंग से शुरुआत करी है। मैं आपको भी लेके जाता हूँ मंदिर के पास। तो जो भाई नए आए हैं चैनल के अंदर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। तो लेके चलते हैं आपको मंदिर के पास। तो गाइस देख सकते हैं, ये पूरा रास्ता आगे जाता है, मंदिर की तरफ जाता है, और आपको सामने देख सकता है कितने श्रद्धालु लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में ही आके बाबा के दर्शन करते हैं। तो थोड़ा टाइमिंग की बात कर लेते हैं गाइस, मॉर्निंग 5 o'clock मंदिर खुल जाता है, और रात के 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है गाइस। और दो दो घंटे में मंगल आरती यहाँ होती रहती है। सबसे पहली मंगल आरती जो मॉर्निंग में 5:30 बजे होती है गाइस, जो जी सब देख सकते हैं, सब मेरे भाई बहन जो जा रहे हैं सब वही अटेंड करने जा रहे हैं गाइस, बाबा का मंगल आरती सब अटेंड करने जा रहे हैं। तभी देख सकते हैं लोग कितने श्रद्धालु हैं गाइस, देख सकते हैं मेरे आगे और मेरे पीछे, देखो गाइस श्रद्धालुओं की इतनी कतार है यहाँ पर। और अभी आपको मंदिर के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि मैं भी फुल एक्साइटमेंट हूँ सीधे मंदिर के पास जाऊँ, और आपको भी लेकर जाते हैं वहाँ पर। तो गाइस, इस शॉप से हमने प्रसाद ले लिया है, देख सकते हैं ये प्रसाद में कुछ इस तरीके का ये है, ये मिश्री इत्यादि जो नारियल वगैरह के किशमिश, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये बाबा के प्रसाद में चढ़ाए जाते हैं। तो गाइस ये पंजीरी है, तो इन भाई से हमने प्रसाद लिया है। तो अब आपको गेट दिखाते हैं, गेट एग्जैक्ट ये सामने आपको गेट पर जाएगा, और हमने एग्जैक्ट सामने इनकी शॉप से प्रसाद ले लिया है। तो अब चलते हैं आपको अंदर, और बने रहे हमारे साथ। तो गाइस देख सकते हैं ये मंदिर का एंट्रेंस है, तो इस एंट्री से अंदर जाना होता है काफ़ी गाइस, आपको बीच में रास्ते में दो एंट्रेंस गेट मिलेंगे, बट वहाँ से बाहर निकल के बाहर निकलने की एंट्री है, और यहाँ से आपको अंदर जाना है। तो गाइस हमने एक और बाबा जी के लिए ले लिया है, उनका प्रिय फूल गुलाब का, जो हमारे श्याम अब्बा को बहुत ही प्रिय है। तो अब ये बाबा को चढ़ाएंगे और बाबा से आशीर्वाद लेंगे, और आपको भी आशीर्वाद दिलवाएंगे। तो लेके चलते हैं आपको। तो गाइस फाइनली हम आ गए मेन एंट्री गेट पे, देख सकते हैं पैदल यात्री मार्ग लिखा हुआ है। यहाँ पर 16 लाइनें होती है गाइस, काफ़ी पहले टाइम पे 3 लाइनें थी, अब यहाँ पर 16 लाइनें कर दी, क्योंकि इतने श्रद्धालु यहाँ पर हो जाते हैं गाइस की बहुत ही भीड़ हो जाती है गाइस भक्तों की, तो यहाँ पर अब 16 लाइन कर दी है। तो ये देख सकते हैं ये एंट्री गेट है, अब आपको अंदर लेकर चलते हैं और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, तो एंट्री गेट है वहाँ पर है, आपको वहाँ पर रोज़ वो आपसे ले लेंगे, उसके बाद आपको इसी से कतार से आपको सीधा सीधा जाना है गाइस। तो अभी मंदिर के अंदर इसी कतार से जा रहे हैं, और मैंने कहा था कि लाइन बढ़ा दी गई है, देख सकते हैं गाइस कितनी लाइन है, आप मेरे सामने देख सकते हैं। तो ये पहले गाइस 2 लाइनें थी, अब इसको 16 लाइन कर दी, क्योंकि भक्तों की कतार इतनी लगती है यहाँ पर। और मार्च के टाइम जब होली का त्यौहार होता है, तो यहाँ पर मेला लगता है गाइस, जिसमें पूरा 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 देश आता है गाइस। पिछली बार यहाँ पर 50 लाख लोग आए थे, 50 लाख। तो गाइस थोड़ा मंदिर के बारे में आपको बता देता हूँ, ये जो मंदिर है श्री कृष्ण जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है गाइस, जो वन ऑफ इंडिया में सबसे लोकप्रिय मंदिर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं इस मंदिर में गाइस। और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये मंदिर भरभरी जो भीम के पुत्र थे, घटोत्कच के पुत्र, सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे भरभरी, उनके सिर का यहाँ पर पूजन होता है गाइस। वो आपने महाभारत देखी होगी जिन भाइयों को, तो उनको ये कहानी पता होगी, वरना मैं आपको ये कहानी थोड़ा बता देता हूँ। ये कहानी कुछ इस तरीके की है, भरभरी को वरदान दिया गया था श्री कृष्ण जी ने, क्योंकि भरभरी ने अपना शीश दान दे दिया था श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण जी ने अपनी शक्तियाँ और उनको कलयुग में वरदान दिया था कि आप हमारे नाम से पूजे जाएंगे। तो गाइस बहुत ही मान्यता है हमारे श्याम बाबा की, और अब आपको अंदर ले जाकर बाबा के दर्शन कराते हैं। तो गाइस देख सकते हैं एंट्री गेट पे कुछ इस तरीके की भीड़ है, 2 मिनट के अंदर श्रद्धालु देखो गाइस, 2 मिनट के अंदर इतने श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। अभी बाबा का भोग चढ़ रहा है, तभी 10-15 मिनट का यहाँ पर ब्रेक दिया गया, बाबा को भोग लग रहा है, उसको उसी मिनट में देख सकते हैं यहाँ पर इतने श्रद्धालु आ गए गाइस। बाबा की यहाँ पर इतनी श्रद्धा है कि लोग दूर दूर से आके कतारें लगाकर बाबा के दर्शन करने आते हैं गाइस। और देख सकते हैं वो जो मंदिर है, वो बाबा की वहाँ पर
मूर्ति है, उसी के दर्शन के लिए सब यहाँ पर लाइन लगा के गए। वही जो मुख जो हम दिखाने वाले हैं आपको, बने रहे चैनल पे। और बहुत ही क्या बताऊँ आपको, आप नजरें नहीं हिला पाओगे बाबा से, इतने ही लोग, इतने ही क्या कहते हैं सुंदर उनका मुखड़ा है, जो हम लोग दूर दूर से देखने आते गए, जिसको मेरे को भी इंतजार है और मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना जय बाबा श्याम जी की, जय श्री कृष्ण कन्हैया जी की। तो लेके चलते हैं आपको आगे। भाइयों ये देख सकते हैं सामने जो गेट है, ये खाटू श्याम जी का एंट्रेंस गेट है। आपने वृंदावन में देखा होगा, आप वृंदावन का अलग गेट होता है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर श्री खाटू श्याम का गेट पे लिखा श्री श्याम शरणम। ये हमारे हार के सहारे खाटू बाबा जी का देख सकते हैं। यहाँ से ही श्रद्धालु की भीड़ देखें, काफ़ी भीड़ हो रही है इस गेट पर, इतनी भीड़ हो जाती है गाइस। तो हम बेसिकली रात में आ गए थे, तो हमने अभी आपको गेट दिखाया। अब मैं आपको आगे की जानकारी देता हूँ कि हमको यहाँ से कैसे कितने रुपये लगा और कैसे हम आए और कितना टाइम हमने स्पेंड किया। तो ओवरऑल गाइज आपको देख सकते हैं आपको यहाँ तक आने के लिए क्या करना है। आप अगर हम आए हैं दिल्ली से, दिल्ली से आपको 3 ट्रेन चलती है वहाँ पर, मात्र 3 ट्रेन रिंगस आती है गाइज। और उसकी टाइमिंग आप देख सकते हैं नेट पे, आप देख लेना। रिंगस से आपको 18 किलोमीटर पड़ता है, और ओवरऑल पूरी नाइट में यहाँ पर कैब चलती है। आपको छोटे छोटे देख सकते हैं टेम्पो, देख सकते हैं सामने ये सारे टेम्पो चलते हैं रिंगस रेलवे स्टेशन पे, और 18 किलोमीटर लगता है यहाँ वहाँ से, और आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एक सवारी के। आराम से आपको छोड़ देगा अगर आप, मैं मेरी बात मानो तो आप रात में आओ और सुबह की 5:30 वाली आरती करो शाम बाबा की। और क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, आपको मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट आप मॉर्निंग में आएंगे तो आपके दर्शन बहुत ईजी हो जाएंगे। आप रात में आके यहाँ पर कहीं भी धर्मशाला ले लो तो आपको ईजली 500 रुपीज़ के पड़ जाएगा, और आप आराम से यहाँ पर स्टे कर सकते हो। तो यही सब था ब्लॉग में आज। तो अभी तो मैं भाई ब्लॉग को एंड करूँगा। अगर आप मेरा ब्लॉग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे मेरे को प्यार बताए रखें। और फिर आपका भाई एक और ऐसे ब्लॉग के लिए लेकर आएगा आपके लिए। अभी के लिए गुड बाय, जय बाबा शांति, जय राधे कृष्ण, बाय।